राजा खान और आप देख रहे हैं बी एंसम। तो आज मैं ये कंप्रेसर आपको दिखा रहा हूँ, ये खराब हो चुका है और इसे मैं काटने वाला हूँ। तो काट करके देखता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से ये खराब होता है, क्योंकि इसका जो ये दोनों टर्मिनल है, ये तीनों तीनों को शॉर्ट हो गया है। ओके, आपस में तीनों शॉर्ट बता रहा है। कंप्रेसर हीट हो गया, ट्रिप हो गया है, सब कुछ हो गया है जो जो होना चाहिए था, बट खाली बॉडी शॉर्ट नहीं आया है। तो चलिए इसको हम काटते हैं, हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। काटते वक्त मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से तो मैं ये इसे रहा कटिंग कर हमारे रहा हूँ। पास ग्राइंडिंग मशीन, आई मीन इसमें कटिंग व्हील लगा लिया हूँ। अब इसे मैं काटता हूँ, ये ऑन किया। तो ये एक तरफ से कटिंग हो चुका है, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक। और सेफ्टी सबसे बहुत ज़रूरी है, चश्मा लगाना, हाथ पैर को बचा कर रखना, ब्लेड को अच्छा से ध्यान में टाइट कर लेना अच्छा से। तो दोस्तों ये कटिंग हो चुका है और कुछ इस तरह से दिखता है ऊपर से कटिंग होने के बाद। ये पाइप जो है मैंने काट दिया है, मैं ही काट रहा हूँ खुद ही, ऐसा जॉइंट रहता है। ओके, मैं काट दिया हूँ। और देखिए इसको जो है, यहाँ पर एक पिन रहता है, यहाँ पर जो आपको टर्मिनल दिखता है वहाँ पे एक क्लिप रहता है, तो उस क्लिप को निकाल दिया हूँ मैं और कुछ इस तरह से इसे उठा लेते हैं। माय गॉड, बहुत भारी है भाई, वीडियो पकड़ने वाला कोई नहीं है भाई, कैमरा। हाँ, तो कुछ इस तरह से निकाल लिया मैं, ये देखिए। तो आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कहाँ से क्या ख़राब हुआ है, तो कुछ इस तरह से देखते हैं, खोजते हैं पहले, शायद दिख जाए। दिख रहा है भाई, दिख गया दिख गया दिख गया। हाँ, तो आप भी देख सकते हैं शायद, ये देख, मैं ज़रा जूम करके दिखाता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा। ये दिखा, ये देखिए मैंने क्लियर कर दिया। ये जो है ये वेंडिंग जल गया है, यहाँ से शॉर्ट हो गया, इसलिए कंप्रेसर हीट हो जा रहा है, ट्रिप हो जा रही है। ये किस कारण होता है? आपको जब एम्प्स ज़्यादा होने से, पावर सप्लाई ज़्यादा लेने से, ओके, ऑयल कम होने से, उसके कारण भी हीट होके जल जाता है। तो अब इसे मैं खोलता हूँ या स्क्रैप में डाल दूंगा। अब तो मैं तो नया डाल दिया हूँ उनको, उनके फ्रिज में नया लगा दिया हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? ये रोटर है और ये घूमता है, देखिए इसको रोटेन करता है, ये रोटेन होता है, यहाँ से पंप एयर फेंकता है, ये दो पंप है। ओके, इसमें से एयर जो है बाहर जाते हैं, ये देखिए। और अंदर में ऐसा कुछ नहीं रहता है, बट आपको जो है एक सेक्शन जो है, मतलब डिस्चार्ज, जिसे डिस्चार्ज बोलते हैं, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, डिस्चार्ज होता है इससे, सॉरी डिस्चार्ज ये है। और आप लोगों को अंदर दिखाना चाहता हूँ, देखिए अंदर ज़्यादातर कुछ नहीं होता है, ये चार स्प्रिंग रहते हैं, एक दो तीन चार स्प्रिंग पे है,
ये देख सकते हैं आप। और ये जो डिस्चार्ज है लाइन, ये डिस्चार्ज लाइन है, ये डिस्चार्ज लाइन है। और ये जो है सेक्शन है, दो सेक्शन होता है, यहाँ एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन, ये एक सेक्शन, एक डिस्चार्ज। तो मेन जो हमारा डिस्चार्ज है उसी में ये पाइप कनेक्शन होता है, ये पाइप कनेक्शन उसी में होता है। इससे होकर के ये पंप से आउटपुट जाता है। ये देखिए यहाँ दो पंप हैं, इससे आपको आउटपुट जाता है, इसी को डिस्चार्ज बोलते हैं। तो मेन डिस्चार्ज है, सेक्शन जो है गैस अपने पूरा इस बॉडी में रखा रहता है, ऑयल जो नीचे रहते हैं, ऑयल नीचे रहता है उसके ऊपर जो है गैस दौड़ता ही रहता है, इसे ठहरा रहता है। तो ये जो है उसको पंपिंग करके अपने अंदर लेता है। और ये गैस लेता कहाँ से है वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, गैस लेता है यहाँ से है, ये जो इसका वैक्यूम पंप है, ये वैक्यूम पंप है, जैसे कि एक टैंक है, ये यही खींचता है गैस को अपने अंदर और ऑयल को, गैस को, सभी को यही खींचता है। ये उसका पंप हो गया है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, उसका यूनिट है ये खींच करके हम लोगों को बाहर देता है इस पाइप के थ्रू, इस पाइप के थ्रू। ओके, तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कॉमेंट्स में ज़रूर बताएँ, ताकि मुझे और भी आगे वीडियो बनाने का हौसला बढ़ता रहे। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।